आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी और फुल फिलिंग सी कॉफ़ी, जिसे आप व्रत के दिनों में भी इंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी फिटनेस कॉन्सियस है, मतलब शुगर नहीं पीना चाहते ना, तब भी आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। तो इसे बनाने के लिए हमने एक मिक्सी जार लिया और उसमें एक फुल ग्लास फुल क्रीम मिल्क डाल दिया है, और वो डालने के बाद ना इसमें हमें केला डालना है। केला अगर आपके पास थोड़ा सा वो वाला है, मतलब थोड़े से जो गीले वाले केले हो जाते हैं, मतलब गीले इन द सेंस की थोड़े से 2-3 दिन के बाद वाले जो गले वाले केले होते हैं, अगर वो भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेरे वाले तो ठीक ठाक थे अभी, मतलब वो अच्छी स्टेज में थे, खाए जा सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे इसमें डाल दिया क्योंकि हमने ये ही बनाना था। और उसके बाद ना यहाँ पे 3-4 खजूर ले लेना है, ये हमें शुगर के अल्टरनेट पे हम इस्तेमाल करें। अगर आप शुगर डाल रहे हैं तो आप इसे कम भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़े से आलमंड डाले हैं, जो कि इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छा करता है, मतलब थोड़ा सा थिक रखता है इसकी कंसिस्टेंसी को। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको हार्ट डिजीज़ है या कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने जो 10 का आता है ना पैक कॉफ़ी वाला, वो पूरा डाल दिया है। तो मतलब वो इसलिए डाला है कि उससे हमने 3 कप कॉफ़ी बनाई थी, बाकी अगर आप स्पून से डाल रहे हैं तो आपको 2.5 से 3 स्पून तक डालने की ज़रूरत है। उसके बाद थोड़ा सा चिल्ड वाटर, आइस क्यूब डाल दिया, एक खजूर जो मतलब प्लेट में ही रह गया था वो डाल दिया था। और उसके बाद ना आप देख सकते हैं इसकी चिल्डनेस आपको मिक्सी जार से ही समझ में आ रही होगी। उसके बाद इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, मतलब बहुत अच्छे से इसको 4-5 मिनट तक अच्छे से चलाना, और चलाने के बाद बस ना इसे ग्लास में ले जाके या कप में ले जाके पलटा देना है। अगर आप इसे व्रत के लिए नहीं बना रहे तो आप इसमें चॉकलेट सिरप या कुछ भी, मतलब ऐसा टूटी फूटी वगैरह जैसी चीज़ें भी इस पर डाल सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। लेकिन ये तो मेरा नवरात्रि वाले टाइम का है, तो उस टाइम में तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब वो कितना भी फेवरेट क्यों ना हो। वैसे भी चॉकलेट सिरप मुझे खास पसंद नहीं है, तो मैं तो वैसे भी नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, मैं आपको अल्टरनेट के तौर पर बता रही हूँ। तो इसको मैंने डायरेक्टली मतलब ऐसे सर्व किया था, ऊपर से थोड़ी सी नॉर्मल कॉफ़ी डस्ट करके, सूखी वाली कॉफ़ी ही डस्ट करके सर्व किया था। वैसे ये बहुत टेस्टी लगता है और ये इतना फुलफिलिंग होता है ना कि इसे मॉर्निंग में ले लो तो आपको 2-4 घंटे तक, मतलब जब भी ऐसा व्रत व्रत का टाइम होता है ना, तो घर में कुछ लोगों के लिए खाना, कुछ लोगों के लिए फलहार वाला खाना बनाने के टाइम में, तो ऐसे टाइम के लिए तो ये बेस्ट होता है। मतलब ये इतना फुलफिलिंग होता है ना कि इसे पीने के बाद 3-4 घंटे तो आपने भूख लगने वाली ही नहीं है। मतलब ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इस वजह से मैं आपको ये बता पा रही हूँ। और हाँ, अभी जस्ट आई एम सफरिंग विद कफ एंड कोल्ड, तो प्लीज़ थोड़ा सा वॉइस के इशू को अवॉइड कीजिएगा, मतलब वॉइस पे मत जाइएगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी एबनॉर्मल वॉइस आ सकती है, तो इसलिए प्लीज़ इसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और इसे एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे, मतलब बनाना वाली कॉफ़ी या कॉफ़ी बनाना शेक ऑफ, मतलब बनाना शेक विद कॉफ़ी, जो भी नाम देना चाहें प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, तो प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो बस खाए पिए खुश रहें, अच्छा लगा तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे, और खाए पिए खुश रहें, बस थैंक यू।